चुनाव के नतीजे आ गए हैं वो मरवा ही अजीत जोगी की वजह से जाना जाता था। 20 साल जिस परिवार की सीधी दखल रही इस उपचुनाव में, जबकि उपचुनाव ही इस वजह से हुआ क्योंकि अजीत जोगी नहीं रहे। इस उपचुनाव में जोगी परिवार की कोई दखल नहीं थी। रेणु जोगी आज की छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय विधायकों में वो महिला जिनकी शालीनता सौम्यता मिसाल दी जाती है, विरोधी भी विरोध की कोई वजह नहीं खोज पाते। रेणु जोगी इस पूरे मामले को लेके, इस चुनाव में जो कुछ हुआ है उसको लेके खिन्नता जाहिर कर चुकी हैं। रेणु जी आपकी खिन्नता क्यों थी, क्या हुआ था? इस बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि 5 बार 20 वर्षों में जोगी जी या अमित जोगी मरवाही से चुनाव लड़ चुके हैं, और तब 4 बार तो वो कांग्रेस पार्टी में थे, और तब आदिवासी नहीं होने का कोई आरोप नहीं लगा था। पर इस बार जैसे ही हमारे वर्तमान माननीय भूपेश जी की सरकार आई सत्ता में, उन्होंने नए नए नीति नियम और अध्यादेश पारित करके जो पावर जो शक्ति राज्यपाल को के पास रहती थी, देश में पहली बार कलेक्टर को दे दी, और जिसका परिणाम सबके सामने है कि उनका अमित का, उसकी पत्नी ऋचा जोगी का, मूलचंद कुशराम जी जो 3 पीढ़ी से लगातार सरपंच के जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी जनवरी में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी पुष्पेश्वरी तंवर का भी नामांकन निरस्त कर दिया गया। तो ये तो एक सत्ता का, मैं समझती हूँ, दुरुपयोग किया गया है। सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगते रहा, चुनाव हो गए, ऐन वक्त पे भाजपा से समर्थन दे दिया आपकी पार्टी ने। अमित ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि ये फैसला इस परिवार की मुखिया श्रीमती डॉक्टर रेणु जोगी का है। क्या आपकी सहमति थी, क्या मतलब अगर ये फैसला हुआ तो परिस्थितियां क्या थी? देखिए, ये फैसला कोर कमेटी जो पार्टी की थी उनसे मौखिक चर्चा करके, या हमारे 3-4 सदस्य तो यही थे, श्री धर्मजीत सिंह जी, मैं और अमित जोगी और संभवतः एक आध और यहाँ उपस्थित थे उस दिन, तो उन्होंने तय किया कि हम लोग समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दें, और तभी ये निर्णय लिया गया। अब आगे क्या, जैसा परिणाम आया है क्या उससे ये माने कि जोगी परिवार ने समर्थन दिया भाजपा को, जैसा बता रही हैं कोर कमेटी के समर्थन था उसमें, परिणाम तो बिल्कुल उल्टे आए। 55% से ज़्यादा मत कांग्रेस को मिले हैं, उस कांग्रेस को जिसकी पिछले चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। देखिए, इस बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि जो 5 बार चुनाव जोगी जी या अमित ने लड़ा, तो अंतर दोनों पार्टियों का, कांग्रेस और भाजपा का, एवरेज 50,000 रहता था। पिछले चुनाव में जोगी जी ने जनता कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, नया चुनाव चिन्ह था अल चलाता किसान, फिर भी ये अंतर 47-48,000 के करीब था। पर अभी जो वर्तमान में चुनाव हुए, यद्यपि अपने धन बल भय और तरह तरह के प्रलोभन देकर उन्होंने हमारे और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को खरीदा, सरपंचों को धारा 44 का डर दिखाकर प्रभावित किया, तो भी ये अंतर नहीं पाट सके और मात्र 38,000 वोटों पर सिमट गए। आगे क्या, ये बात आई कि अदालत जाएंगे, अदालत पहुंचेंगे, तो अगर ये इलेक्शन पिटिशन होती है तो उसके जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें तो एक पूरी चुनाव की अवधि खत्म हो जाती है। जी नहीं, अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इलेक्शन पिटिशन का निपटारा 1 वर्ष के अंदर होना चाहिए, तो हम लोग उम्मीद करते हैं और आखिरी उम्मीद न्यायपालिका से ही है कि
हम लोगों को वहाँ न्याय मिलेगा, और जो जिस आधार पर नामांकन निरस्त किया गया तो उसे बहाल करके पुनः चुनाव होंगे या इस चुनाव को रद्द किया जाएगा। रणु जी, आखिरी सवाल है मेरा, या आखिरी तो शायद आखिरी दो सवाल हैं। आप बाज़ार में, हाट में गई, आप मरवाही के गांव वहाँ गई, आपने जोगी जी की आत्मकथा की किताबें बांटी, आपने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये तो आपकी मतदाता से सीधी बात थी, ये जो संवाद था ये वोट में क्यों नहीं बदला? देखिए, बाज़ार में मतलब बहुत ही थोड़े लोगों से संपर्क हो पाता है, और अकेले तो मैं और भी कम लोगों से मतलब मिल पाई या अपनी बात कह पाई, परंतु जो चूँकि ये किताब भी आखिरी में आई, उन्होंने आत्मकथा कोरोना लॉकडाउन के दौरान लिखी थी, तो जितना प्रभावशाली उसे होना था वो नहीं हो पाई, और दुर्भाग्यवश मरवाही में वो इतनी मोटी किताब थी, करीब 450 पेज की, कि उसको पता नहीं जनता पढ़ भी पाई कि क्या हुआ, तो इसका कुछ मतलब जो प्रभाव पड़ना था यानी वो मैं समझती हूँ वांछित प्रभाव नहीं पड़ पाया। चुनाव हो गया है, कांग्रेस जीत गई है, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद भी आप कुछ कहना चाहेंगी जीते हुए प्रत्याशी को, कांग्रेस को कुछ बोलना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को प्रजातंत्र, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, और सत्ता का दुरुपयोग करने से भविष्य में एटलीस्ट बचना चाहिए। कि प्रजातंत्र देश का जो हमारे देश का एक बहुत सम्मानजनक और मूल एक आदर्श रहा है, उस पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी रेणु जोगी जो बता रही थी कि इस चुनाव परिणाम को किस रूप में देखती हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये कि उनकी नसीहत है कांग्रेस को कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और दूसरी सबसे अहम बात, जो भी नतीजे हैं वो नतीजों को स्वीकार करने की बात स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मसला न्यायालय जा रहा है। याज्ञवल्क्य, NPG, मरवाही।